अच्छा, तो इस लेक्चर में हम देखने हैं कि हमने टाइम का डिफरेंस कैसे जो है निकाल सकते हैं एक्सेल में। उसके लिए हम क्या करते हैं, जैसे देखें 14 घंटे और 35 मिनट, इनके अंदर जो है डिफरेंस 6:15 AM से लेकर 8:50 PM तक जो डिफरेंस है वो है 14 घंटे 35 मिनट। तो ये कैसे हम इसमें कैलकुलेट कर सकते हैं, इसे लगाना हमने फार्मूला इज इक्वल टू इफ और ब्रैकेट स्टार्ट, उसके बाद आपने लिखना एंड एंड और फिर ब्रैकेट स्टार्ट, ठीक है, और D7 यानी कि ये वाला D7, उसके बाद ये ग्रेटर देन और लेस देन के साइन लगा के उसके साथ लगा देना 0, यानी ग्रेटर देन लेस देन 0, साथ ही फिर जो है कॉमा, उसके बाद जो है F7 यानी कि time 2, उसको भी ग्रेटर देन लेस देन 0 कर देना, ठीक है, और यहाँ से कर देनी है ब्रैकेट क्लोज, फिर माँ और फिर इफ, ठीक है। अच्छा, इफ के बाद हमने ब्रैकेट स्टार्ट करनी है और F7 यानी कि time 2, ठीक है, वो लेस देन है time 1 से, ये कुछ लगाना आपने, और उसके बाद फिर कॉमा और F7 यानी कि time 2, उसके अंदर क्या करना है +1 -F D7 यानी कि फर्स्ट वाला टाइम जो हमारा था time 1, ठीक है, और कॉमा, उसके बाद हमने क्या करना है F7 -D7, F7 कौन सा है, सेकेंड टाइम, और फर्स्ट टाइम जो इसको में से माइनस कर देना हमने, ठीक है, और माइनस करने के बाद चाहिए F7 F7 -D7, ठीक है, ये हमने लगा दिया, उसके बाद फिर ब्रैकेट क्लोज करनी है और फिर कम आउट्स के बाद क्या करना है डबल कोट्स, तो दफा लगा के और ब्रैकेट क्लोज कर देनी है, आप करना है एंटर। तो ये देखें इस तरह का कुछ टाइम शो करेगा यहाँ पे आपको, यानी कि इतना डिफरेंस है। उसके लिए अब आपने क्या करना है, इस पर राइट क्लिक करना है और यहाँ पे जाना है फॉर्मेट सेल में, ठीक है, फॉर्मेट सेल में जाने के बाद ये वाला जो डायलॉग बॉक्स ओपन होगा उसके आपने क्या करना है टाइम पे जाना है, और यहाँ से आपने ये वाली जो फॉर्मेट है उसको सिलेक्ट कर लेना और उसको ओके। तो देखें वो वही उसने टाइम जो है डिफरेंस दे दिया, अब बाकी सब यही लगाना है, तो उसको ड्रैग करके बाकी में भी लगा दो, तो देखें जितना जितना डिफरेंस है टाइम के अंदर उसने अपने उसने आपको शो कर दिया। तो इस तरह जो है एक्सेल में आप जो है टाइम डिफरेंस को काउंट कर सकते हो कि कितना टाइम के अंदर डिफरेंस है, तो यहाँ से इसको फॉर्मेट जो है टाइम फॉर्मेट चेंज कर सकते हो।